పడికిని సరే అందరి చంపి తిని అందరితో చదువులో ఫలమయ్యా సౌను ఫలకుండా పడికిని నా చదవించు. इलायची बन गई है मुन्नी माँ, चमत्कार दिखाने वाली माँ। लाल साड़ी पहनकर, चेहरे पर काला चश्मा चढ़ाकर, एक हाथ में हथियार, दूसरे में एक छोटा सा पंखा लेकर ये माता बैठ गई हैं अपने घर के आंगन में। लाल सोफे पर होकर सवार, उनके सामने जीजा जी बेहोशी में पड़े हैं और चांदनी चौक के लोगों के सामने ही इस माता ने बेहोश पड़े जीजा जी को अपनी गुदगुदी से, बर्फ के टुकड़े से, अपने चमत्कार से जगा दिया है। और जागते ही जीजा जी ने भंगड़ा करना शुरू कर दिया है। नैन मटका, चोरी चोरी नैन मटका, शनेश्वरी, पुन्नी माथा के साथ, ये तुझे बहुत भारी पड़ेगा। चकना फट्टा नब्दी के लिए सोने अंदर शामी दिल्ली है देवते चल मेरा फल भैया सनुनी फर्क बंदा बड़ी जमीन चाहते बिंचा दूरा पैगले चलो पैगले। ये हैं हमारी मुन्नी माँ, जो कि आज चांदनी चौक में लोगों को आदेश देने वाली हैं, ज़िंदगी जीने का तरीका बताने वाली हैं। ये वो मुन्नी माँ हैं जिनको बहुत से करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, जो ये कहती हैं वो लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो आज ये हमें किसी मुसीबत से बाहर निकालने आई हैं और ये इन्हीं का आइडिया है मुन्नी माँ बनने का। और ये कैसे आके हमें एक वाटर माफिया से बचाएंगी, और इसमें मैं लाश का रोल करने वाला हूँ। बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना है, बस लेटना है, उसके बाद मेरे अंदर एक पंजाबी आत्मा आएगी और ये कैसे भगाती हैं ये है। आप बताइए आपको कैसे लगा? तो पूरा सीक्वेंस बहुत प्रीटी मच फन, एंड मुझे कुछ डिफरेंट सा अवतार लेना था तो मैं मुन्नी माता बन गई थी। जीजा जी के शरीर में भूत था जो मुन्नी माँ ने भगा दिया, तो एक पानी चोर डॉन को भी धमकी देकर उसे सुधार दिया। मगर इलायची के दिमाग में जो मुन्नी माँ का भूत सवार हुआ है, उसे न जाने कौन कैसे उतारेगा। ये काम तो जीजा जी को ही करना पड़ेगा। मैं ये वरदान मांगता कि स्टूडियो के एसी चालू हो जाए। पंचम तो यही मांगेगा कि वो संगीतकार बन जाए बहुत बड़ा। निखिल खुराना सिर्फ सिंपल सी बात मांगेगा और वो है हैप्पीनेस ऑलवेज, दैट्स इट। निखिल खुराना मांगेगा कि बहुत अच्छी सी से पत्नी मिल जाए, शादी करना चाहता है। देखो पत्नी माँ बाप सब कुछ हैप्पीनेस के अंडर कवर हो जाता है, पैसा वैसा कितना चला। इसलिए एक शब्द में मैंने सब कुछ मांग लिया। बहुत चलाक आदमी है, मेरी लाइन मारी है इसने, मेरी लाइन छीनी है इसने, मैं बोलती हूँ चोर कहीं के भाई साहब चोर है। ओह माय गॉड। इलायची जीजा जी को पटाने के लिए कोई ना कोई ड्रामा करती रहती है, मगर इस बार का ये ड्रामा जीजा जी के लिए नहीं बल्कि चांदनी चौक वालों के लिए उनकी मुश्किल दूर करने के लिए था। मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।